हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड यस, आई वेलकम यू टू द बायजूस एग्जाम प्रेप। बायजूस एग्जाम प्रेप में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो आई होप एवरीबडी इज डूइंग ग्रेट। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या? आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक PYQ सीरीज ज्योग्राफी में, जहां हम 350 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द सेशन, ओके? एंड अगर आप चैनल पे नए हैं सो सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है सो सेशन को लाइक करना, शेयर करना और उस पर कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है? यस, एंड यू कैन फाइंड आउट मेरी ऐप फ्री क्लासेस जो होती हैं 11 बजे होती हैं वेडनेसडे एंड फ्राइडे को, एंड यूट्यूब लाइव सेशन होते हैं मेरे 8 बजे ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडेज को। यस, वेरी गुड। गुड इवनिंग मनजीत, गुड इवनिंग पिंकी, गुड इवनिंग स्वाति, हाय अनन्या, हाय शिवांगी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो आज हमसे हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? सो PYQ सीरीज फॉर द ज्योग्राफी, जहां हम 350 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ओके? सो डू जस्ट फॉर द प्रैक्टिस सेशंस, ओके? एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन देयर इज अ मेगा वर्कशॉप जो मैम तोशिबा आप लोगों के लिए लेकर आ रही है, जो कि 10 फरवरी को है, 8 बजे होगी, ठीक है? तो आपने जो भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है उस पे लिंक आएगा, ठीक है? और उस लिंक से आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर दिस मेगा वर्कशॉप, ठीक है? यस, गुड इवनिंग महिमा, गुड इवनिंग। एंड जितने भी बच्चे हैं, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज डू क्लिक ऑन द लाइक बटन, सो योर लाइक इज द मोटिवेशन फॉर अस टू ब्रिंग मोर एंड मोर थिंग्स फॉर यू। गुड इवनिंग तानिया, गुड इवनिंग जहूर, गुड इवनिंग शांतनु, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाय पल्लवी, गुड इवनिंग मंजीत, सबसे पहले मंजीत आए हुए हैं। मंजीत, मैंने आपको गुड इवनिंग बोला भी था। सो वी कैन स्टार्ट द सेशन, ओके? सो वी आर स्टार्टिंग बिकॉज खूब सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, सो आई एम स्टार्टिंग द सेशन। मीन वाइल जितने भी बच्चे हैं लाइक बटन दबाएंगे और शेयर करेंगे सेशन को, ओके? हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके? यस, तो रिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रिया किसका उदाहरण है? न्यूट्रल श्योर, कंपाउंड श्योर, इमर्स्ड अपलैंड श्योर और सबमर्ज्ड अपलैंड श्योर। थैंक यू शिवांगी। यस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, मेंटेन द टाइमिंग्स, ओके? सो दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली फॉर द प्रैक्टिस। सो मेंटेन द टाइम, जो स्टिपुलेटेड टाइम है उसमें आंसर करने की कोशिश करें, सो दैट आपका जो एग्जाम आ रहा है फेब्रवरी में उसके लिए आपको अच्छा खासा आंसर मिले। यस, वेरी गुड, कीप ऑन आंसरिंग माई डियर स्टूडेंट्स, फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड, यस, कीप ऑन आंसरिंग कीप ऑन आंसरिंग। फटाफट से हम एक रेल लगाएंगे आज क्वेश्चंस की। हेलो साक्षी, जस्ट अ सेकंड। हेलो साक्षी, एंड हियर कम्स द आंसर। यस, तो डी इज द करेक्ट आंसर। सो रिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, निमग्र ऊपरी भूमि तट या सबमर्ज अपलैंड का एग्जाम्पल है, ओके? वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन प्लेटोज ओज इट एग्जिस्टेंस ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्स, टेंशनल फोर्स, एमर्जेंस एंड सब्सिडेंस। ऐसा लगना चाहिए कि आप एक प्रैक्टिस सेशन खोल के बैठे हैं PYQ का, एंड आप वो सॉल्व कर रहे हो। सो डोंट वेस्ट द टाइम, गिव मी द आंसर एज इन फास्ट फास्ट, ओके? हाय संतोष, गुड टू सी यू। पल्लवी, तुम क्लासेस में आती हो तो यूट्यूब वाली में। चलो फटाफट से आंसर करें इसका, कि इंडियन प्लेटोज जो है वो, उसका अस्तित्व किसके कारण है? संपीड़न बल, तनाव बल, उन्मिजन या अवतलन। यस, वेरी गुड। यहाँ पे ना आंसर को ऐसे सोच के देखो, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, वॉल्केनिक इरप्शन से बहुत सारा लावा हुआ, ठीक है ना, और फिर एक प्लेटो बना, है ना, एक प्लेटो बना, ठीक है? यस, उस हिसाब से इस आंसर को देख के इसको आंसर देना है ना? यस, हेलो कटरीना, अरे वेरी क्लोज, यू पीपल आर, आई थिंक यू आर कंफ्यूज्ड। चलो वेरी गुड, कुलदीप, अमित चैटर्जी सर का, अच्छा कैसा आपको पेड कोर्स लेना है? गुड इवनिंग रवि, गुड इवनिंग। चलो वेरी गुड साधना, द आंसर वुड बी द सी, है ना, अमरजेंस। मैंने क्या बोला, वॉल्केनो फटा, उसमें से इरप्शन हुआ और एक प्लेटो का इमरजेंस हो गया, ठीक है? यस, सो
सी इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे एक बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया है, सो दैट वुड बी यस यस यस. इट इज हेल्पफुल क्योंकि सर इज एन आउटस्टैंडिंग टीचर. अमित सर इज एन आउटस्टैंडिंग टीचर, सो नो डाउट इट विल हेल्प यू इन एवरी एवरी पेपर. ओके यस. उनकी क्लास 9 बजे होती है. हाँ यस पल्लवी, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, शेप एंड अलाइनमेंट कुछ ड्यूज दिए हुए हैं, कहाँ पे वो होते हैं उससे आपको मैच करना है. लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, पैराबोलिक एंड कॉम्प्लेक्स, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, परवलय और सम्मिश्र. उसको आपको कहाँ वो पाए जाते हैं, वो बालू के टिब्बे, उनके विशिष्ट नाम, उनसे आपको इसको मैच करना है. ओके यस, थैंक यू संतोष. यस, उनकी क्लास 9 बजे होती है. कुलदीप, आप इकोनॉमिक का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे ना, तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू. यस, वेरी गुड साक्षी, कीप ऑन आंसरिंग. मेंटेन द टाइमिंग, यस मेंटेन द टाइमिंग. यू हैव टू गिव मी द आंसर इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड. वेरी गुड, कीप ऑन आंसरिंग माय डियर स्टूडेंट. दिस इज पीवाईक्यूज. मुझे पता है आप लोगों की नजरों से एकाध बार जरूर निकले होंगे ये. वेरी गुड वेरी गुड, कीप ऑन आंसरिंग. आई विल वेट फॉर 1 मोर मिनट. कुलदीप, टुडे तो शायद आज तो आप वो नहीं देखते हो क्या, एक ना टाइम टेबल, रोज का टाइम टेबल आता है. कुलदीप, आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. यस यस यस, सो मेनी पीपल आर करेक्ट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, है ना. इसका आंसर क्या है, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए. ओके, सो दैट वुड बी सी, दिस इज डी, ओके दिस इज बी एंड दिस इज ए. ओके, सो ए इज द करेक्ट आंसर. बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है. ओ ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, यस दे आर द कुछ थ्योरीज हैं, ठीक है, कंदरा और केव से, और किन्होंने वो दी है उससे रिलेटेड है. ओके, टू साइकिल थ्योरी, वाटर टेबल थ्योरी, स्टैटिक वाटर जोन थ्योरी एंड इन्वेजन थ्योरी. हियर इज द टाइमिंग. यस, दिस इज प्योरली एंड प्योरली द पी वाई क्यूज फॉर यू पीपल. ओके यस, सो दैट आपको फील आए कि आप एग्जाम दे रहे हो. यस, कम ऑन, फॉलो द टाइमिंग्स. वेरी गुड कटरीना, गुड साक्षी, वेरी गुड अनन्या. सिंपल क्वेश्चंस हैं भाई, इतना टाइम कैसे लग सकता है आप लोगों को. डोंट टेक दैट मच ऑफ टाइम ना, फिर वो टाइमर का क्या मतलब है. टाइमर फॉलो करोगे तभी तो प्रैक्टिस ढंग से होगी. 15 सेकेंड का टाइमर क्यों है. यस वेरी गुड, लेट्स सी. यस, तो मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, सो दैट वुड बी द बी. ओके, चलो बी इज द करेक्ट आंसर. सो दैट वुड बी डी. ओके, ए दिस इज बी एंड दिस इज सी. ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर, है ना. कभी मैम को गुड इवनिंग नहीं बोला, पहले हेलो गाइज बोला इसने. वाह वाह. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटरल प्लानेशन थ्योरी ऑफ सेडिमेंट फॉर्मेशन वॉज प्रपोज बाय मैकजी, गिलबर्ट, लॉसन एंड डेविस. सेडिमेंट निर्माण के पार्श्व समतलन सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था. यस यस, वेरी गुड कटरीना, वेरी गुड अनन्या, गुड साक्षी, गुड स्वाति. यस कटरीना, इट इज अ सिंपल क्वेश्चन. यस यस, एवरीबडी, आई गेस एवरीबडी इज करेक्ट इन दैट. यस, सो दैट वुड बी बी. ओके, गिलबर्ट ने लेटरल प्लानेशन थ्योरी ऑफ पिडमेंट फॉर्मेशन प्रपोज किया है, ठीक है ना. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज अप्रोप्रिएट फॉर द टर्म बैरोट्रॉपिक, बोरोट्रॉपिक. ओके, निम्नलिखित में से कौन सा दाब घनत्वी शब्द का उपयुक्त विवरण है. आइसोबाज एंड आइसोथर्म्स आर पैरेलल, आइसोबाज एंड आइसोथर्म्स आर नॉट पैरेलल, आइसोबाज एंड आइसोहाइलाइंस आर पैरेलल, आइसोबाज एंड आइसोलाइंस आर नॉट पैरेलल. एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके कुलदीप,
एक बार आप पुराना वीडियो देख लो कुलदीप सर का, कोई भी पुराना, और उसमें एक मैसेज डाल दीजिए, सो दीज पीपल विल गिव यू द टेलीग्राम लिंक। ओके, वो आपको टेलीग्राम लिंक दे देंगे। कोई भी सर का पुराना वीडियो देख लीजिए, उस पर आप मैसेज डाल दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सो दे कैन गिव यू द टेलीग्राम ग्रुप। ओके, फिर आप उससे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। यस, वेरी गुड कटरीना, एंड यस, वेरी गुड ईच एंड एवरी वन। दैट वुड बी द ए सिंपल क्वेश्चन, है ना? आइसोबार्स एंड आइसोथर्म्स जब पैरेलल होते हैं उसको बेसिकली बैरोट्रॉपिक बोला जाता है। वेरी गुड, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो देयर इज अ सरफेस कंडीशन एंड प्रेसिपिटेशन एफिशिएंसी। ओके, सो या पी इंडेक्स अगर आप इसको बोलो, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स। ओके, और उसका आपको देखना है मोर देन 127, लेस देन 16, 32 to 63 एंड 64 to 125। यस, कम ऑन, यस, वेरी गुड कैटरीना। फॉलो द टाइमिंग्स माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, यस, वेरी गुड, फॉलो द टाइमिंग्स। वेरी गुड, कीप ऑन आंसरिंग, आई विल वेट फॉर 1 more minute। वेरी गुड, लेट्स सी द आंसर। यस, एवरीबडी इज करेक्ट, सो डी इज द करेक्ट आंसर। यस, ओके, सो दैट वुड बी, ये आएगा डी, ये आएगा बी, ओके, ये आएगा ए एंड दिस वुड बी सी। ओके, वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन क्वेश्चंस। द ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स आर ऑफ स्पेशल ज्योग्राफिकल इंटरेस्ट। ओवर 75% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इनहेबिट्स बिटवीन लैटिट्यूड 30 degree नॉर्थ एंड 30 degree साउथ। यस, हेलो केपीजी, यस, वेरी गुड, कीप ऑन आंसरिंग। हेलो मोंडल साहब, हेलो, यस माय डियर स्टूडेंट्स, गिव मी द करेक्ट आंसर। लुक एट द टाइमर, फॉलो द टाइमर फर्स्ट ऑफ ऑल। यस, वेरी गुड, वेरी गुड कटरीना, वेरी गुड। हाँ, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे सारे के सारे। कुछ बच्चे बहुत एक्सट्रीम आंसर दे रहे हैं, आई थिंक उनका आंसर सही हो सकता है। लेट्स सी व्हाट वुड बी द आंसर। यस, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बेसिकली ए। ठीक है, यस, सो आंसर क्या कह रहा है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स क्या है बेसिकली? आर ऑफ ज्योग्राफिकल इंटरेस्ट। ओके, यस, तुम्हें टाइमर अब दिखा है। ओके, ये बोल रहा है ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है वो स्पेशल इंटरेस्ट का है। तो ज्योग्राफी को हमने किससे जोड़ लिया? वर्ल्ड पॉपुलेशन इनहैबिट से, इसीलिए इसको हमने क्या आंसर दिया है? ए इज द करेक्ट आंसर। यस, कोई बात नहीं, एक आध तो गलत चलता है बेटा, आप सही कर रहे हो कटरीना, डोंट वरी अबाउट इट। यस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एनर्जी सोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हरिकेन्स। जियो थर्मल एनर्जी ऑफ द अर्थ, लेटेंट हीट डिराइव्ड फ्रॉम कंडेंस्ड वाटर वेपर, लार्ज स्केल फॉसिल फ्यूल बर्निंग एंड नन ऑफ द अबव। सेम नहीं है बेटा, नॉट सेम। ज्योग्राफिकल इंटरेस्ट, ओके, ज्योग्राफी से इनहैबिटेशंस और इनहैबिट को जोड़ा है हमने, ठीक है, नॉट सेम, बट इट इज गिविंग द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यस, वेरी गुड, यस अनन्या, वेरी गुड, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन आई गेस। यस, वेरी गुड, कीप ऑन आंसरिंग, कीप ऑन आंसरिंग। आए विजय, आए विजय, आ गए। चलो, वेरी गुड, कोई बात नहीं, चलो, यस, एवरीबडी इज करेक्ट, दैट इज बी, है ना? संघनित जल वाष्प में उत्पन्न निहित ताप या लेटेंट हीट डिराइव फ्रॉम कंडेंस्ड वाटर वेपर इज बेसिकली द रीजन और द एनर्जी सोर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द हरिकेन। सो एवरीबडी इज करेक्ट, एक सुर में आंसर सबका सही। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एवरेज एयर मास डेंसिटी एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के सतह पर वायु संहति घनत्व का सही औसत है? यस,
नहीं विजय, वी आर वेजिटेरियंस। चलो वेरी गुड साक्षी, साक्षी ने स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में आंसर दिया, वेरी गुड। चलो यस वेरी गुड, यस बी इज द करेक्ट आंसर। 1.2 kg, यस सो दैट वुड बी बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमोस्फेरिक लेयर्स द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट एंड एन एवरेज रेट ऑफ अबाउट 0.6 डिग्री पर 100 मीटर। निम्नलिखित में से वायुमंडलीय स्तरों में से किसमें लगभग 0.6 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 मीटर की औसत दर पर ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। यस वेरी गुड, ये मेरा करेक्ट आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एंड लास्ट में यू हैव टू टेल मी योर स्कोर एज वेल, किसने कितना स्कोर किया। यस वेरी गुड, कीप ऑन आंसरिंग, कीप ऑन आंसरिंग माय डियर स्टूडेंट्स। यस यस एंड दैट इज ट्रोपोस्फेयर या शोभ मंडल। ओके यस, शोभ मंडल इज द करेक्ट आंसर। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं शिवांगी तुम्हारा आंसर मिल गया था बेटा, है ना। यस अब क्वेश्चन कहता है नेचर ऑफ द चेंज एंड पॉसिबल एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस। ठीक है, कुछ मानव जनित ऐसे कारण है जिसकी वजह से परिवर्तन है प्रकृति में, है ना। डेजर्टिफिकेशन इन द सेमी एरिड एरिया, गली डेवलपमेंट इन अ वैली बॉटम, इंक्रीजिंग कोस्ट इरोजन एंड ग्रेटर रिवर फ्लड इंटेंसिटी। ठीक है, और ये बोल रहा है इफेक्ट ऑफ ग्रोनेज अप टू द कोस्ट, ओवरग्रेजिंग, रन ऑफ फ्रॉम अ न्यू रोड एंड अर्बनाइजेशन। गुड इवनिंग प्रिया, हाँ आते हैं संतोष, बिल्कुल आते हैं बेटा, ये तुम्हारे ही नेट से लिया हुआ, ये किसी सेट का भी एग्जाम क्वेश्चंस नहीं है, दिस इज प्योरली एंड प्योरली फ्रॉम योर नेट पेपर। गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। ओके आई होप सब अपना दिमाग लगा के आंसर कर रहे होंगे, है ना, ऐसे अगल बगल में ताका झाकी करके आंसर नहीं दे रहे होंगे, है ना। यस यस लेट्स सी, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। यस सो डेजर्टिफिकेशन, यस दिस इज ड्यू टू ओवरग्रेजिंग, वेरी सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर ये बोल रहा है गली डेवलपमेंट इन अ वैली बॉटम, दैट वुड बी सी। ओके रन ऑफ फ्रॉम अ न्यू रोड, ओके देन इंक्रीजिंग कोस्ट इरोजन, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कोस्ट, कोस्ट एंड कोस्ट। ओके एंड ग्रेटर रिवर फ्लड इंटेंसिटी, दैट यू कैन फाइंड आउट ड्यू टू अर्बनाइजेशन। सो बी इज द करेक्ट आंसर, यस बी होगा, वेरी गुड। यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट टू पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ फॉर्म अमंग प्लांट्स इन 1934। ए एस मोफित, आर एच विटकर, क्रिश्चियन रॉनिकर एंड ईओ बॉक्स। हेलो कोड कंफ्यूज नहीं करेंगे पिंकी, एक बार देख के बेटा, है ना, कंफ्यूज मत हो। यस डोंट गेट कंफ्यूज, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, है ना। आई गेस आप सबने ये क्वेश्चंस किए होंगे, नहीं किए तो हम अभी कर ही रहे हैं। यस गुड इवनिंग गोपाल, गुड इवनिंग। यस वेयर सी द आंसर, यस दैट वुड बी द सी, क्रिश्चियन रानिकर इज द करेक्ट आंसर, जिन्होंने 1934 में लाइफ फॉर्म्स, प्लांट्स में लाइफ फॉर्म का कॉन्सेप्ट पहली बार दिया था। ओके सो यस सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ना। एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उनकी डेंसिटी दी हुई है ना, ग्राम और सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब में। ओके, सी वाटर, ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ओके, सो यू हैव टू सी 2.4, 1.03, 2.8 एंड 2.9। डेंसिटी को एलिमेंट से मिलाना है। यस, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है पल्लवी, बढ़िया। चलो चलो, गिव मी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वेरी जनरल क्वेश्चन। ओके, एंड नो हसी टिटोली, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन। एटलीस्ट यू हैव टू कुछ 25 तक तो आपके सवाल सही होने चाहिए 30 में से। ठीक है, यस, लुक एट द क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर। ओके, लेट मी सी द आंसर, वेरी गुड, यस, मेनी पीपल आर करेक्ट, सो दैट वुड बी द सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर, वन का बी, सेकेंड का डी, ठीक है, थर्ड का सी एंड फोर्थ का ए। ओके, सो दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं तानिया, जस्ट गिव योर सेल्फ सम टाइम। ओके, धीरे धीरे आप पेस पकड़ लोगी, है ना। सो डोंट ऐसे मत सोचो कि थोड़ा रोज क्लास अटेंड करोगी सो दैट वुड बी इजी फॉर यू एज वेल। ओके, सो जस्ट अपने पेस पे करना है आपको, किसी से आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप अपने पेस पे काम करो। ठीक है, यस, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट वन है जिसमें समुद्री संरचना या सी कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है और लिस्ट टू में डिपॉजिट्स दिए हुए हैं। ठीक है, सो सी कॉन्फ़िगरेशन में है सी बॉटम, सरफेस लेयर ऑफ द सी वाटर, डीप सी ट्रेंचेस एंड सी वाटर कॉलम। और डिपॉजिट्स में है हेडल पैलेजिक, पैलेजिक प्रोविंस, बेंथिक प्रोविंस एंड एपिपैलेजिक जोन। ठीक है, इसको आपको इससे मैच करना है। ओके, यस यस, कम ऑन तानिया, यू कैन डू दैट, आई नो दैट, यस, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट बच्चों, कॉन्सेंट्रेट। ओके, यू हैव योर ओन कॉम्पिटिशन तानिया, हमें किसी से मतलब नहीं है, यू टेक योर टाइम, गिव द आंसर। ओके, एंड लेटर ऑन आप भी क्या पकड़ लोगी, पेस पकड़ लोगी। वेरी गुड अनन्या, वेरी गुड दीप्ति, वेरी गुड स्वाति, गुड केपी, गुड साक्षी, कटरीना, संतोष। ओके, वेरी गुड, चलो लेट मी गिव द आंसर। यस यस, सो बी इज द करेक्ट आंसर। सो एक सुर में सबका आंसर क्या है, बी। ओके, दैट वुड बी वन, दिस इज सेकेंड, ओके, नो मैं क्या, नहीं, दिस इज सी, ओके, दिस इज डी, दिस इज डी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, यस, सो एवरीबडी इज करेक्ट, सो दैट वुड बी बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ऑथर्स एंड उनकी किताब है। दुनिया के सबसे इजी क्वेश्चंस ये होते ना, क्यों कटरीना तुम्हारे लिए क्यों मुश्किल हो रहा है बेटा, आप तो अच्छा कर रहे हो ना, उसका तो फर्स्ट टाइम है ना, इसीलिए उसको फर्स्ट टाइम है इसलिए उसको प्रॉब्लम आ रही है। यस, आप तो अच्छा कर रहे हो ना, आप करो। हाँ, दो तीन क्लास के बाद तानिया भी अच्छा करेगी, मुझे पता है। हेगरस्ट्रैन, गिलबर्ट व्हाइट, वॉल्टर आइजार्ड एंड विलियम बंच। बुक्स हैं थ्योरेटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल डिमेंशंस ऑफ इनोवेशन, ह्यूमन रिस्पॉन्स टू फ्लड्स एंड मेथड ऑफ रीजनल एनालिसिस। यस यस, कम ऑन तानिया, कम ऑन कटरीना, गिव मी द करेक्ट आंसर। These two, three girls are giving me as an stipulated time period में answer. Very good, साक्षी, अनन्या, संतोष, स्वाति, महिमा, शिवांगी, कटीना, ज्योति, सॉरी प्रिया, साधना, पिंकी, वेरी गुड, यस, लेट मी सी द आंसर, यस, तो डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या है इसका, डी है। ठीक है, वन का बी, इसका सी, सो दैट वुड बी डी एंड ए, सो डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, एक दो जन की भी किताब पकड़ के अगर क्वेश्चन ऐसे करोगे, एक दो के भी, तो मुझे लगता है आप सही ऑप्शन पे पहुंच पाओगे। ठीक है, गुड इवनिंग रोहित, गुड इवनिंग, यस,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये. निम्नलिखित मॉडल में से कौन सा मानव पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन पर आधारित है? बर्गीज एंड पार्क्स कॉन्सेंट्रेटिक जोन मॉडल, वेबर्स लोकेशन मॉडल, हेगरस्ट्रेंस इनोवेशन डिफ्यूजन मॉडल एंड ज़ेलेंस्की मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल. यस, आपको पेस पकड़नी पड़ेगी, है ना? यस, थोड़ा सा पेस पकड़े, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं. यस, ये क्वेश्चन करा हुआ है. जबरी से बोल रहे हैं, ये होगा ये होगा. एक आध तो पुराने है ना, ऐसे ही होता है बेटा. यस प्रिया, ऐसे ही होता है. यस, चलो तो आंसर इज ए. ओके, तो बर्गीज एंड पार्कर्स कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल जो है वो बेसिकली किस पे आधारित है? पारिस्थितिक तंत्र पे, ह्यूमन इकोलॉजी पे. ठीक है, यस, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेंसस ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी? अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव. यस, हाय सुचिता. Yes, very good. Give me the correct answer for this question as well. Population density पूछ रही है, maximum density. Yes. चलो हम देते हैं आंसर. बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है इसमें लक्षद्वीप आया होगा, पर मेरे बच्चों इसमें लक्षद्वीप नहीं है, दैट वुड बी दमन एंड दीव. ओके, यस, मैक्सिमम डेंसिटी पूछी है इन चारों में से. कैसे कंफ्यूजन है, कैसे कंफ्यूजन है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ इनपुट प्राइस वेरिएबल इज एप्लीकेबल इन द गिवन डायग्राम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द बाउंड्री बिटवीन द मार्केट एरियाज ऑफ टू कॉम्पिटेटिंग फर्म्स ए एंड बी वेयर फ्राइट रेट इज इक्वल. है ना, दो फर्म्स हैं, ठीक है, ए और बी, और उनके जहां उनके फ्राइट रेट इक्वल आ रहे हैं. ठीक है, दो प्रतिस्पर्धी फर्म ए और बी के बाजार क्षेत्र जहां माल भाड़ा समान है के बीच सीमा के विचलन के लिए दिए गए आरेख में आदान मूल्य चर की निम्नलिखित में से कौन सी शर्त लागू है? यस, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. ओके, यस, अब ये सोचो, ये भी बताओ आपके नेट में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये भी आपके नेट में आए हुए क्वेश्चन है. यस, एक सेशन पॉपुलेशन डेटा पक्का साधा. पिछली बार भी मैंने एक सेशन पॉपुलेशन डेटा पे लिया था एग्जाम से पहले, इस बार भी पक्का लेंगे. ठीक है, ए और डी सेम हो गए, इसको ऐसे कर लो. ए और डी सेम हो गए, इसमें ऑप्शंस दोनों सेम है, है ना. हाँ, ए और डी, हाँ सेम है, सेम है, सेम है. ठीक है, हाँ. इसमें ए और डी दोनों ऑप्शन सेम हो गए. ठीक है, इसको हम ऐसे कर देते हैं, नन ऑफ दी अबव. ठीक है, इसको मैं कर रही हूं नन ऑफ दी अबव, है ना. यस, मैंने उसको चेंज कर दिया है, नन ऑफ दी अबव कर दिया है. ठीक है, चलो विल सी द आंसर. यस, ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, यस, ए इज द करेक्ट आंसर. मैंने डी को कर दिया है नन ऑफ दी अबव, सो डोंट गेट कंफ्यूज. ठीक है,
and your answer is A. Okay, so that you can find out A is greater than P. Okay, yes. P क्या बता रहा है? Price बता रहा है. Okay, yes. So A option is the correct answer. चलिए, very good. हाँ नन्या, हम exams के पास में पक्का लेंगे. ठीक है, मैंने next पिछली बार भी लिया था, इस बार भी हम ले लेंगे. The nature of input cost curve over space in industrial landscape become औद्योगिक दृश्य भूमि में स्थान के ऊपर आदान लागत वक्र की प्रकृति हो जाती है. लगात लिखा हुआ है, इसको लागत कर लेना, है ना, लागत. ठीक है, यस. कॉन्वेक्स, कॉनकेव, अवतल, लीनियर, रैखिक, यू शेप्ड. इसे प्रीवियस वाला दीप्ति अभी करते हैं. ऐसा करते हैं, इकोनॉमिक्स के जितने भी ये टर्म्स है ना दीप्ति, इस पे भी क्लास रख लेंगे एक, है ना, सो दैट हमको क्लैरिटी मिल जाए. वेरी गुड, कीप ऑन आंसरिंग माय डियर स्टूडेंट. हेलो प्रिया, चलो लेट्स सी द आंसर. यस, सो डी इज द करेक्ट आंसर. क्या है इसका आंसर? डी. डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, चलिए, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. अर्बनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग फिनोमेना ऑफ दिस सेंचुरी एंड द डेवलपिंग कंट्रीज आर एट द फोकस ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, द अर्बन शिफ्ट हैज हैपेंड इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स लार्जली ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ मेगा सिटीज इन द डेवलपिंग कंट्रीज. इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. कौन सा क्वेश्चन प्रिया? ये वाला या इससे पहले वाला? ये वाला ऐसे लिख देते हो तुम, एक्सप्लेन. अब बताओ कौन सा. सोच समझ के आंसर करो. यस, बहुत सारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, इसका ए आंसर कैसे है? ये सेंटेंस पढ़ना, ये क्या बोल रहा है? विकासशील देशों के महानगरों में नगरीय विस्थापन का मुख्य कारण पिछले कुछ दशकों में तीव्र वृद्धि दर, या फिर ये मेगा सिटीज, है ना, तो रैपिड ग्रोथ जो है वो मेगा सिटीज की वजह से है सारी डेवलपिंग कंट्रीज में. इज दिस अ सेंटेंस सही? इज दिस द सेंटेंस सही? गलत पढ़ रहे हो. सी इज द करेक्ट आंसर. भाई जो रीजन है ना वो गलत है. जो अर्बन शिफ्ट आप देख रहे हो डेवलपिंग कंट्रीज में, वो किसकी वजह से? मेगा सिटीज की वजह से. नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं. कैसे आप बोल सकते हो कि मेगा सिटीज की वजह से मैक्सिमम शिफ्ट हो रहा है अर्बन का? यस शिवांगी, यस. चलिए, वेयर आर द तपोवन एंड द विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? उत्तर प्रदेश, एमपी, उत्तराखंड एंड झारखंड. यस, वेरी गुड, कीप ऑन आंसरिंग माय डियर स्टूडेंट्स. वेरी गुड, वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड तान्या. वेरी गुड. चलो, नाउ आई विल गिव द आंसर. यस, तो उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तपोवन और विष्णुगढ़ जो जल विद्युत परियोजना है वो बेसिकली उत्तराखंड से जुड़ी हुई है. यस, वेरी गुड. सो मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट. सी इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. गुड इवनिंग सीमा, गुड इवनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राइबल वेलफेयर कमिटी क्लासिफाइड इंडियन ट्राइब्स इंटू हाउ मेनी कैटेगरीज? जनजातीय कल्याण समिति ने भारतीय जनजातियों को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया है? 5, 4, 3, 2. लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स, देन यू हैव टू गिव मी द करेक्ट आंसर. ओके, यस. इज दैट द 3? आर यू श्योर 3 इज द करेक्ट आंसर?
Are you sure 3 is the correct answer? Yes, very good, Priya. That would be the B, है ना? Four parts में divide किया है, four parts में, पांच चार categories में divided है वो, not a तीन में नहीं है, पांच में नहीं है, है ना? Region wise वो उसको कितने भागों में विभाजित किया हुआ है? चार भागों में विभाजित किया हुआ है. Yes, so four is the correct answer, है ना? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन. द हॉटेंटॉट्स आर द नेग्रिटोज ऑफ श्रीलंका हैविंग द ब्राउन कलर. नहीं नहीं साधना. नहीं बेटा. ये नहीं है कॉकसॉइड मंगोलॉइड्स, ये नहीं है. यस प्रिया, आज की विनर तुम. ठीक है, नेग्रोइड्स ऑफ द श्रीलंका हैविंग द ब्राउन कलर, येलो स्किन कलर पीपल ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका, नेग्रिटोज ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड पिग्मीज ऑफ द कॉन्गो बेसिन. यस मोंडल साहब. यस वेरी गुड, कीप ऑन आंसरिंग. सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन. प्रिया सोच समझ के आंसर करो भाई. यस बी, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना? येलो स्किन कलर पीपल ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका, उनको बोला जाता है हॉटेंटॉट्स. क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है. यस सो बी इज द करेक्ट आंसर. चलो वेरी गुड. यस देर आर सम सोर्स ऑफ एनर्जीज और उनके प्लेसेस हैं जियोथर्मल, सी विंड, वेस एंड न्यूक्लियर. कंबत, काइगा, मणिकर्ण एंड विजिंगजम. हाँ चलो फटाफट आंसर कीजिए. एक तो ये हमारे यहाँ पे ऐसे ना कुछ बच्चों की मंडली है जो बतोले हैं बहुत. यस वेरी गुड, कीप ऑन आंसरिंग माई डियर स्टूडेंट्स. वेरी गुड साक्षी. यस सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है सो दैट वुड बी सी जियोथर्मल, दैट वुड बी ए कंबत. ओके देन यू कैन फाइंड आउट डी विजिंगजम एंड दैट वुड बी बी दैट इज काइगा. यस सो सी इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स डेवलप द ऑफ सोशल फिजिक्स टू क्रिएट द फील्ड ऑफ मैक्रो ज्योग्राफी. स्टीवर्ड एंड वर्न्स, जैक्सन एंड स्मिथ, शेविस्के एंड बेल एंड जोन्स एंड आइल्स. यस बताइए ये विजिंगजम कहाँ है? वेर इज विजिंगजम? यस ये बताइए विजिंगजम कहाँ है? इज एनीबडी हैज एनी आइडिया अबाउट? चलो यस ए इज द करेक्ट आंसर. ओके यस ए इज द करेक्ट आंसर. चलो ए के साथ साथ पहले ये बताओ ये विजिंगजम कहाँ है? विजिंगजम बताइए वेर इज विजिंगजम? इंडिया में. वाह प्रिया वाह. हिमाचल प्रदेश में. आर यू श्योर शिवांगी? इट इज इन हिमाचल प्रदेश. Yes. Who defined cultural geography which emphasizes human culture and it's commonly equated with human geography? John Iles, M.S. Jones, Dudley Stamp and Ashraf Shevsky. Yes, Himachal. Yes, very good. Okay, Pallavi. Nahi pata hai Priya, bata rahe hain bache Himachal. Yes, it is in Himachal. Very good.
चलिए आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। किसने सांस्कृतिक भूगोल को, जो मानवीय संस्कृतियों पर बल देता है और जिसे सामान्य रूप से मानव भूगोल के समतुल्य माना जाता है, के रूप में परिभाषित किया है? वेरी गुड। थैंक यू संतोष। यस, तो सी इज द करेक्ट आंसर। यस, दैट वुड बी द डूडले स्टैम्प। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ ईयर्स है और उनकी किताबों के नाम है, ईयर से मैच करना है। 1826, 1966, 1954 एंड 1909। थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन, द आइसोलेटेड स्टेट एंड सेंट्रल प्लेसेस इन सदर्न जर्मनी। यस, वेरी गुड। कम ऑन माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड संतोष। चलो, यस, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट का सी द आइसोलेटेड स्टेट 1966। ओके, देन यू कैन फाइंड आउट बी एंड यू कैन फाइंड आउट ए। यस, सो बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ टर्म्स और कुछ डिस्क्रिप्शंस। यस यस, सो मटेरियल इंडेक्स, आइसोडफेन्स, लेबर कोएफिशिएंट एंड एग्लोमरेशंस। एंड डिस्क्रिप्शन इज सेइंग रेशियो ऑफ द लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट टू द लोकेशनल वेट ऑफ दैट यूनिट। यस, एडवांटेज ऑफ प्रोडक्शंस ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, वेट ऑफ लोकलाइज्ड मटेरियल एंड द वेट ऑफ द प्रोडक्ट, लाइंस ऑफ इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर टन। एंड इज अ सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है, दिस इज द सीरीज। 350 तो पहली बार में कम से कम एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस तो हमें करने ही पड़ेंगे, है ना, तब हमारी सीरीज पूरी होगी। सो यस, वैसे कम खत्म होने आ गए होंगे। यस, लेट्स सी। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, दैट इज सी, दिस इज डी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, सो ए इज द करेक्ट आंसर। अरे मटेरियल इंडेक्स से ही तो निकाल सकते हो, मटेरियल इंडेक्स तो पता है ना आप लोग क्या होता है। मटेरियल इंडेक्स तो सबको पता है और आइसो डिफेंस भी सबको पता है, तो आप इन दोनों से भी तो आंसर निकाल सकते हो। सो व्हाई यू पीपल आर ऑप्टेड फॉर डी? हाँ, इट इज ए, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सो सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स। एल खत्म। ओके, यस यस, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। लो शिवांगी, तुमने बोला और खत्म भी हो गया, ठीक है? यस, सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। विल फॉलो दिस सीरीज, ठीक है, जहां हम 350 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, यस, हाँ, वो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सो सॉरी फॉर दैट। ओके, एम नाउ विल मीट ऑन ट्यूजडे, फिर हम आगे चलेंगे। आज हमने 30 क्वेश्चन करे हैं, अब हम आगे चलेंगे जहां हम और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सुचिता, गॉड ब्लेस बेटा, गॉड ब्लेस। यस, इट्स फिनिश। ओके, यस, एंड आई विल टेक केयर कि आपको किसकी थ्योरी क्लासेस चाहिए, हम एक्स्ट्रा सेशन लगवा कर उनकी थ्योरी क्लासेस भी लेंगे। एंड यस, पॉपुलेशन की तो जरूर, ठीक है? यस, ओके, चलिए, वेरी गुड साक्षी, 30 आउट ऑफ 26, वेरी गुड। यस, नहीं कभी आज सबसे ज्यादा क्वेश्चन हुए, आज 30 क्वेश्चंस थे। यस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। एंड जाते जाते
Don't forget to click on the like button. Bye-bye. God bless you all. And good to see you, Pallavi. क्यों संतोष बताओ. वेरी गुड मॉडल साहब, वेरी गुड. बाय मंजीत.